द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. तो हम क्या एक्चुअली कर रहे थे कि हमने कुछ अनियंस के पीसेस लिए, उनको प्लास्टिक के बैग में डाला और उनके साथ कुछ कपड़े के पीसेस डाल दिए और उनको टाई करके पूरी रात फ्रिज में रखा. और द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. और नेक्स्ट डे जब हमने उनको निकाला तो क्लोथ के जो पीसेस हमने अनियन के साथ डाले थे उनमें से भी अनियन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. तो अनियन जो है वो एक यहां पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करेगा. टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑडोर. और हम क्या करेंगे, पहले ये क्लोथ पीसेस को लेके दो पीसेस लेंगे, उसका ऑडोर चेक कर लेंगे कि कैसी स्मेल आ रही है. हम इसलिए तो अंडरस्टूड है कि उसमें से अनियन की स्मेल आएगी. और उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट एसीएस सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट एनएओएच सोल्यूशन ऑन द अदर. तो हम एक एसीएल की ड्रॉप ले लेंगे और एक एनएओएच की, और हम इसको दो जो कपड़े के पीसेस हमने लिए हैं उनके साथ टेस्ट करेंगे. और जब हम एसिड और बेस के कांटेक्ट में इस क्लोथ पीसेस को लेके आएंगे तो इनका अडोर जो है वो चेंज हो जाएगा. तो इससे ये शो होता है कि अनियन जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है. तो इसी तरह हम ये एक्टिविटी वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ भी रिपीट कर सकते हैं. और पहले वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल की स्मेल जो है कुछ और होगी. जब हम उसके ऊपर टेक सम डिल्यूट एसीएस सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डिल्यूट एनएएच सॉल्यूशन इन अनदर. एसीएल और एनएएच के कांटेक्ट में इनको लाएंगे हम तो इनकी जो स्मेल है और वो चेंज हो जाएगी. चेक द ओडोर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ओडोर. तो इसका मतलब कि ये जो वनीला ऑयल है और वनीला एसेंस है एंड क्लोव ऑयल है, ये भी ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करते हैं. तो इस एक्टिविटी में हमने ये स्टडी किया है कि ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं. अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल. नेक्स्ट एक्टिविटी में हम स्टडी करेंगे कि एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे. सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1. टेक अबाउट 5 ml ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट. हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस डालेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन. तो हम क्या देखेंगे कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल में एसीएल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगी, और जब हम इसको सोप सोल्यूशन में से पास करेंगे तो तब भी हम वहां पर बबल्स देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के. और हम कैसे चेक करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, वायर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या करेंगे, इस बर्निंग एक बर्निंग कैंडल जो है वो गैस के पास लेके जाएंगे तो हमें किस तरह की साउंड जो है वो सुनाई देगी, तो हमें पॉप साउंड मतलब कि पटपट की जो आवाज है वो सुनाई देगी. तो जब हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्निंग कैंडल के पास आएगी तो पॉप साउंड देगी, तो पॉप साउंड जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है. तो इस एक्टिविटी में हमें पता चल जाएगा कि यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही है. तो कैसे हाइड्रोजन गैस, मतलब जब इसमें हमने ये पढ़ा कि जब एसिड को H2SO4 एक एसिड है और जब हम एसिड को मेटल, जिंक एक मेटल है, मेटल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो एक तो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है, साथ ही साल्ट बनता है. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, जिंक ग्रेन्यूल में H2SO4 डाला है जिससे हाइड्रोजन गैस बन रही है और हमने उसको टेस्ट भी कर लिया बर्निंग कैंडल के साथ, वो पॉप साउंड दे रही है. तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हुई है. और जब भी हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है तो क्या होता है, जिंक एक मेटल है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है. दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, और मेटल जो है वो एसिड के रिमेनिंग पार्ट के साथ कंबाइन करके साल्ट बना देगी. तो इससे क्या शो हो रहा है इस एक्टिविटी में, कि जब भी मेटल एसिड के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रिपेयर होगी. जैसे कि हम इसको एक रिएक्शन के देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ZN प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक जो है वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी. तो इसका मतलब जिंक सल्फेट क्या है, साल्ट, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस. तो कहने का मतलब ये है कि जब एसिड मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रिपेयर होती है. इसी तरह हम एक्टिविटी 2.4 में देखेंगे, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब. हम जिंक मेटल को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें हम एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. तो क्या हुआ, जब
जिंक क्या है, मेटल. जब मेटल को बेस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो हमने यहां पे क्या नोट डाउन किया कि जब जिंक में सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन बेस डाला तो क्या प्रिपेयर हुआ हमारे पास, सोडियम जिंकेट साल्ट बन गया और साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगी. तो हमने इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल. और इस तरह की रिएक्शन जो है सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है. तो हमने यहां पे ये स्टडी किया है कि जब मेटल एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आती है तो साल्ट बनता है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है. तो ये हमारी होगी एक्टिविटी कि एसिड और बेस जो है वो मेटल के कॉन्टेक्ट में आने से क्या चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है. और इस एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हुई और हमने इसको टेस्ट भी कर लिया कि ये हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस. तो जब हम इस गैस को, बर्निंग कैंडल को इस गैस के पास लाते हैं तो वो पॉप साउंड देती है, तो पॉप साउंड जो है वो हाइड्रोजन की होती है. तो इससे ये शो होता है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हुई है. तो इसी तरह ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, डायग्राम दिया होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस डायग्राम में क्या चीज गिवन है. तो आपने जो मैंने आपको एक्टिविटीज करवाई हैं नोटबुक पे, आप ये डायग्राम मैंने आपको बनाने के लिए दिए हैं, तो आप वो डायग्राम पहले तो ड्रॉ करोगे और उसके बाद इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करोगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है. आप क्या बताओगे कि इस एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही है और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड देती है, पॉप साउंड. तो यहां तक हमने अपने इस चैप्टर के पार्ट 1, 2 और 3 को स्टडी किया है. हमने पढ़ा है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर 3 तरह के हमने स्टडी किए हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मैनमेड होते हैं. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तो उनका ऑडोर जो है वो चेंज हो जाता है. तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे.